पार्लियामेंट का पांचवा वर्ष और आखिरी दिन है ये टर्म का, और इसमें किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको इतने ही बताना चाहूंगी, हम तो इस देश के युवा हैं, हम तो सिर्फ कैलकुलेशन पे और किसने कितना अच्छा बेहतर काम किया उसके ऊपर ही ध्यान देकर आगे काम करते हैं। कांग्रेस की सरकार में 50 वर्षों में सर 75 सभापति जी, एक मिनट सभापति जी, इन्होंने ब्लैक पेपर निकाला है, एक भी शब्द उसमें 10 साल के हमारे मंत्रियों के खिलाफ नहीं है, और ये बताता है कि हमारा कार्यकाल कैसा रहा, इन्हीं के ब्लैक पेपर में नहीं है। इसलिए ये देश से माफी मांगे और शपथ ले कि आगे से कभी कोई घोटाला नहीं करेंगे। सर, मैं तो इतना ही बोल सकती हूँ, क्योंकि जो आंकड़े हम देख रहे हैं कि 50 सालों में 75 एयरपोर्ट कांग्रेस के कार्यकाल में, 10 वर्षों में 74 रोड एंड हाईवेज में, 50 वर्षों में 98,000 किलोमीटर, और मोदी जी की सरकार में 50,000 किलोमीटर के हाईवेज, रेलवे कांग्रेस की सरकार में मॉडर्न रेलवे स्टेशन का नाम ये देश के युवाओं ने, इस देश के लोगों ने कभी सुना ही नहीं, जहाँ पे 400 वंदे भारत ट्रेन और अमृत भारत स्टेशन और मॉडर्न रेलवे स्टेशन, इसी तरह सर ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, यहाँ से बहुत सारा आवाज़ आ रही है। तो बैंकों के नाम पे जब ये सरकार थी तो इनके राज्य में बैंक में जाने के लिए बड़े बड़े सभी, जैसे हमारे वित्त मंत्री मैडम ने कहा कि फ़ोन पे ही लोन हो जाते थे, फ़ोन पे ही सभी को सब चीज़ें अवेलेबल हो जाती, पर मैडम नाउ डेज पीपल आर स्केयर टू गो टू बैंक ओनली, इफ़ वी डू समथिंग करप्शन सो दिस गवर्नमेंट इज़ नॉट गोइंग टू लीव। तो ये सरकार जो मोदी जी की सरकार है, कोई भी इस देश का एक रुपया भी कहीं लेके नहीं जा सकता, इस तरीके की कार्रवाई ये देश की सरकार हमारे मोदी जी कर रहे हैं। पार्लियामेंट भी पिछले 100 वर्षों से जो पार्लियामेंट में थे वो ब्रिटिशकालीन पार्लियामेंट में बैठते थे। सर, हमारा सौभाग्य है कि हम इस नए पार्लियामेंट में भी मोदी जी की सरकार के टाइम पे ही ये पार्लियामेंट में बैठे हैं। सर, ये आदिवासियों की बात करते हैं, आदिवासियों के बच्चों को एजुकेशन पढ़ाने के लिए 2004 से 14 तक इन्होंने 90 एकलव्य स्कूल बनाए सर, पर मोदी जी की सरकार ने आदिवासियों के बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए, एजुकेशन के लिए 600 स्कूल, एकलव्य स्कूल बनाए सर। ये उपलब्धि है मोदी जी सरकार की। ये बोलते हैं व्हाइट और काला पेपर, मैंने सभी कांग्रेसियों के हाथ में आज काले पेपर में लिखा हुआ देखा है, और जिन्होंने आज ये व्हाइट पेपर घोषणा की है और लाई है तो उनके हाथों में सिर्फ व्हाइट पेपर है। सर, गिव मी जस्ट 2-3 मिनट्स लास्ट। सर, मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं सर, जब इतनी बड़ी महामारी हमारे देश में आई तो 50 वर्षों में 60 वर्षों में इनकी क्या तैयारी थी, आने वाले समय में अगर ऐसी कोई महामारी आती है तो उसके लिए इनके कार्यकाल में 380 मेडिकल कॉलेज बने थे, जहां पे 10 वर्षों में 262 मेडिकल कॉलेज बने हैं। सर, एम्स, इनके सरकार में 50 एम्स बने थे, हमारे ये सरकार ने, हमारे मोदी जी की सरकार ने पिछले 10 वर्षों में 17 एम्स बनाए हैं। सर, ये उपलब्धि है हमारी सरकार की। सर, हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की इंदू मिल की जगह पिछले कई वर्षों से महाराष्ट्र में हमारे मागास वर्गीय, हमारे सभी लोग चाहते थे इंदू मिल की जगह, ये बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम सर बहुत बड़ा स्मारक बने, पर ये उसके लिए भी कामयाब नहीं हो सके, वो भी हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में, उनकी ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। सर, आज 5 लाख रुपया देकर हर गरीब की मेडिकल, उनकी हेल्थ व्यवस्था देखने का काम भी हमारी ये सरकार कर रही है। सर, IITs 50 साल में सिर्फ 16, 10 वर्षों में 7। सर, PM आवास योजना जो 14 से आज तक 4 करोड़ लोगों को, जिनको घर नहीं था, जिनका आज भी मट्टी के घरों में रहते थे। सर, हम तो रूरल एरिया से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से हैं, किसान रहते हैं, मजदूर रहते हैं, वो क्षेत्र से आते हैं, जब उनके पास घर नहीं देखते थे तो हमारी पीड़ा हमको ही पता है कि ग्राउंड पे जाके कैसा है। महलों में रहने वाला राजा वो क्या जाने कि मट्टी के घर में रहना किसको बोलते हैं। सर, वो जान रखी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जी ने, ये काम किया है पिछले 10 वर्षों में। मुझे तो सर, इट इज़ वेरी इजी टू टेल, वी शुड मूव ऑन। आई जस्ट हर्ड समबडी सेइंग, माई कॉलीग फ्रॉम दिस हाउस, शी सेड वेरी सिंपल, वी जस्ट शुड नॉट टॉक और वी शुड नॉट फाइट कि कैट फाइट करके तू तू मैं करना है, वी जस्ट शुड मूव ऑन। नो सर, वी कैन नॉट जस्ट मूव ऑन, बिकॉज इस देश के जो युवा हैं, इस देश का विकास चाहते हैं, इस देश के डॉक्टर्स बढ़ाने चाहते हैं, इस देश के मेडिकल कॉलेज बढ़ाने चाहते हैं, इस देश की बेरोजगारी हटानी चाहते हैं, ये चाहते हैं इस देश के युवा। सर, इट इज़ जस्ट 2-3 मिनट्स सर, 2 मिनट्स आई जस्ट से। और जिसका कांग्रेस आज बात कर रही है सर, SC समाज से हम बिलोंग करते हैं, उसको प्रेसिडेंट के पद पे बिठाने वाली ये मोदी सरकार है सर। ST आदिवासी समाज को बिलोंग करने वाली हमारी मुर्मू मैडम को भी उस पद पे बिठाने वाली यही सरकार है सर। मैं आपको इतना ही सिर्फ आखिरी का बोलूंगी सर, महाराष्ट्र से एक लास्ट मिनट सर, हनुमान चालीसा पे उद्धव
हनुमान चालीसा पठन किया तो उन्होंने जेल में डाला सर, यस। और उन्होंने कई एलिगेशन, ओके आई विल नॉट टेक सर नेम, पर उन्होंने कई एलिगेशन लगाए हमारे आदरणीय कि वो बाबरी पे चढ़े करके मस्जिद बाबरी टूटी। मुझे इतना उनसे पूछना है कि जब 90 में और 92 में जब कार सेवक वहां पर अपनी जान त्याग रहे थे, जान दे रहे थे अपने धर्म के प्रचार, वो योगदान दे रहे थे। सर लास्ट वन मिनट, सर लास्ट वन मिनट अपना योगदान दे रहे थे, बिल में बैठे थे, उन्होंने ये बताना है किसी के ऊपर इल्जाम लगाते समय आपने ये